अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के करता है, ताकि वो अश्व भटके ना। अब तनिक सोची, इसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से समिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे राधे।